दोस्तों, चाइनीज मेडिसिन में ऐसा माना जाता है कि अगर किसी मनुष्य के बाल और स्किन हेल्दी है तो इसका मतलब होता है कि वो मनुष्य पूरी तरह से स्वस्थ है। बालों की कोई भी समस्या हो, जैसे कि हैवी हेयर फॉल, स्प्लिट एंड्स, ड्राइनेस, इचिंग स्कैल्प, हेयर ग्रोथ का रुक जाना, बालों का सफ़ेद होना, हेयर पैच, या फिर कुछ लोगों के बाल बिना तेल लगाए ही बहुत जल्दी ऑयली हो जाते हैं। इसके अलावा स्किन से संबंधित कोई भी बीमारी, जैसे कि ड्राई स्किन, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन, एक्ने, कील मुहासे, एजिंग स्पॉट या फिर छाइयाँ, ये सभी चीज़ें एक इंडिकेशन होता है कि आपके शरीर के अंदर ही कोई समस्या है। कई लोग इस बात को समझते नहीं हैं, सिर्फ बाहरी देखभाल करते रहते हैं, जो कि सही नहीं है। आयुर्वेद भी ऐसा मानता है कि खान पान और लाइफस्टाइल जितनी ज़्यादा सही और संतुलित होगी, आपको उतनी ही कम बाहरी देखभाल करनी पड़ेगी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन्स और मिनरल्स बता रही हूँ, जिनकी कमी शरीर में होने पर हेयर ग्रोथ रुक जाती है और लंबे समय तक कमी रहने पर हैवी हेयर फॉल शुरू हो जाता है। हेयर ग्रोथ के मुख्य घटक विटामिन्स और मिनरल्स ही होते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स हमारा शरीर खुद प्रोड्यूस नहीं करता है, ये हमें खाने से ही मिलते हैं। बेस्ट विटामिन्स फॉर द हेयर ग्रोथ। नंबर वन, विटामिन ए। विटामिन ए आपके स्कैल्प में नमी बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी विटामिन माना जाता है। विटामिन ए की कमी से स्कैल्प में ड्राइनेस बन जाती है। जैसे ही स्कैल्प में ड्राइनेस होने लगती है तो बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा विटामिन ए का काम होता है ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन को हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचाने का, जिससे ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है और बालों की ग्रोथ में मदद मिलती है। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो आपकी हेयर ग्रोथ रुक सकती है और ये कमी ज़्यादा लंबे समय तक रहने पर हैवी हेयर फॉल भी शुरू हो सकते हैं और विटामिन ए की कमी से बाल सफ़ेद भी हो सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ ऐसी डाइट बता रही हूँ जिसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत अधिक है, साथ ही ये डाइट आपके बालों को काला, घना और मजबूत बनाने में बहुत हेल्पफुल होगी। गाजर, पम्पकिन, पालक, दूध, आम, एप्रिकोट्स, सफ़ेद घर का बना हुआ मक्खन, देसी गाय का घी, ब्रोकली, लाल पत्तों की चौली का साग, हरे धनिए के पत्ते, हरी मेथी के पत्ते। नंबर टू, विटामिन ई। विटामिन ई सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन माना जाता है। ये विटामिन मेंटल स्ट्रेस से छुटकारा दिलाता है। ये विटामिन बालों की नमी को लॉक करके उन्हें सूरज की यूवी किरणों से बचाता है। ये विटामिन स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का संचार करता है, जिसकी वजह से हेयर रूट्स मजबूत हो जाते हैं और हेयर ग्रोथ भी अच्छी होने लगती है। कुछ ऐसी डाइट बता रही हूँ जिसमें विटामिन ई अच्छी मात्रा में होता है। ये डाइट आपकी हेयर प्रॉब्लम को दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। काले तिल, पालक, सनफ्लावर सीड्स, एवोकेडो, बादाम, पीनट्स, हेजलनट्स, पिस्ता, मैंगो, कीवी, एप्रिकोट्स, ब्रोकली, कोकोनट, वॉलनट। नंबर थ्री, विटामिन बी सेवन। विटामिन बी सेवन, जिसे बायोटिन के नाम से भी जाना जाता है, बायोटिन एक ऐसा विटामिन होता है जिसकी कमी सीधे आपके बालों को सफ़ेद बना देती है। कुछ लोगों का कहना होता है कि जैसे ही उन्होंने बायोटिन के सप्लीमेंट लेना शुरू किया, उनके सफ़ेद बाल फिर से काले होने लगे। इसकी यही वजह होती है कि शरीर में सभी विटामिन सही मात्रा में हैं, पर सिर्फ बायोटिन की कमी से बाल जो सफ़ेद हुए हैं, तो जैसे ही बायोटिन रिच फूड या सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं तो वो बाल वापस काले हो जाते हैं। बायोटिन का काम होता है प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को अमीनो एसिड में परिवर्तित करना, और यही अमीनो एसिड्स बालों की जड़ों को काला, घना और मजबूत बना देते हैं। कुछ ऐसी डाइट बता रही हूँ जिसमें नेचुरल बायोटिन यानी कि विटामिन बी सेवन पाया जाता है। पालक, बादाम, शक्करकंदी, चीज़, पीनट, वॉलनट, एवोकेडो, कोकोनट,
सनफ्लावर सीड्स, ब्रोकली, मैंगो, फूल गोभी, मशरूम और कुछ अनाजों में भी पाया जाता है। नंबर 4, विटामिन डी। विटामिन डी हेयर हेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन माना जाता है। ये आसानी से हमें सूरज की किरणों से मिल जाता है, लेकिन सुबह की हल्की धूप और शाम की ढलती धूप में कम से कम 15 से 20 मिनट तक बैठने से हमारे शरीर की डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, जिससे बाल काले, घने और मजबूत हो जाते हैं। इसके अलावा विटामिन डी रिच फूड्स होते हैं दही, छाछ, सफ़ेद घर का बना हुआ मक्खन, बादाम, ऑरेंज जूस, ओट, गाय का घी, मशरूम, आमंड मिल्क, सोया मिल्क और कुछ अनाजों में भी पाया जाता है। नंबर 5, विटामिन सी। अगर विटामिन सी शरीर में सही मात्रा में होता है तो ये बालों की अच्छी ग्रोथ तो करता है, साथ ही बालों को सफ़ेद होने से भी रोकता है। विटामिन सी रिच फूड होते हैं आंवला, पत्ता गोभी, पालक, लेमन, हरा धनिया, मौसमी, अनार, अंगूर, फूल गोभी, लाल और हरी मिर्ची, टमाटर और मूली के पत्ते। आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से मिनरल्स हैं जिनकी कमी से हैवी हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। नंबर 1, आयरन। ब्लड में हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक आयरन होता है। आयरन हेयर फॉलिकल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्व बालों की जड़ों तक नहीं पहुंच सकते हैं। नतीजा, बालों का तेजी से झड़ना या सफ़ेद होना। अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए शरीर में पर्याप्त मात्रा में आयरन होना बहुत ज़रूरी होता है। आयरन रिच फूड होते हैं पालक, पम्पकिन सीड, काले तिल, फ्लैक्सीड, बादाम, हरी मेथी, पेठा, काले मसूर, अनार, टोफू, सोयाबीन, मशरूम, बीटरूट और बीटरूट के हरे पत्तियाँ। इसके अलावा लोहे की कढ़ाई में खाना पकाने से भी हमको काफ़ी मात्रा में आयरन मिल सकता है। नंबर 2, जिंक। डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यानी कि DST, ये एक हार्मोन होता है। जैसे ही हमारे शरीर में जिंक नामक मिनरल की कमी हो जाती है तो DHT हार्मोन का प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाता है, और ये DHT हार्मोन का शरीर में बढ़ना बालों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि DHT शरीर के किसी भी पोषक तत्व को हेयर फॉलिकल्स तक जाने से रोकता है और हैवी हेयर लॉस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये रोम छिद्र को भी ब्लॉक करके स्किन को एकदम चिकना बना देता है। नतीजा, उस हिस्से में हेयर ग्रोथ हमेशा के लिए रुक जाती है। इसीलिए शरीर में जिंक का पर्याप्त मात्रा में, स्पेशली पुरुष के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिंक रिच फूड होते हैं तिल, किसी भी तरह के नट्स, पम्पकिन सीड्स, हरा मूंग, डार्क चॉकलेट, गार्लिक, मशरूम, दही, पालक, भिंडी। ये हमें भिंडी की सब्जी से नहीं मिलता है, लेकिन भिंडी की एक विशेष रेसिपी बनाई जाती है। नंबर 3, प्रोटीन। हमारे हेयर के जो फाइबर होते हैं यानी कि ये धागे जैसे हैं, ये प्रोटीन से ही बनते हैं। इसीलिए प्रोटीन बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर प्रोटीन इंटेक सही मात्रा में होगा तो बालों की क्वालिटी और ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। प्रोटीन रिच डाइट है पनीर, दूध, दही, काला सब्जा, तुअर दाल, सफ़ेद चने, हरे मूंग, हरे मटर, काले मसूर, काले चने, काले उड़द की दाल, स्प्राउट्स। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को जो भी विटामिन्स और मिनरल्स बताए हैं, ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही असेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। लेकिन अगर आपको ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है तो उसके लिए किन किन विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। उसके लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप ज़रूर देखना। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।